सो भाई ये वीडियो हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन से होने वाला है एंड लाइट रूम की मदद से मैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो को इस टाइप की फ़ोटो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बन रहिएगा क्योंकि लाइट रूम एक कमाल का एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो में चार चांद लगा सकते हैं। कलर ग्रेडिंग के मामले में वह बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो मोबाइल में वर्क करता है। ऐसे तो आपको फोटोशॉप मिल जाएगा तो वो पीएस वगैरह के लिए होते हैं, कंप्यूटर सेटअप के लिए होते हैं, बट मोबाइल में अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो लाइट रूम इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन जिससे आप अपनी फ़ोटो को एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते अपने मोबाइल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ये फ़ोटो ओपन है एंड फोटो जस्ट नॉर्मल है, DSLR से क्लिक है। सो इसमें मैं फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ तो बहुत ही आसानी से आपको मैं बताऊँगा। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको लाइट, कलर, ब्लर और इफेक्ट नाम के काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे। सो आपको लाइट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। जैसे अगर जिस फोटो में कंट्रास्ट नहीं होता तो वो इस तरीके से फीकी फीकी लगती है, सो आपको उस फोटो का थोड़ा सा कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देना है एंड इसके बाद इस फोटो का मैं हाईलाइट को थोड़ा कम करूँगा एंड इसके शेडो को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। इसके बाद मैं इसके वाइट पे देख सकता हूँ तो वाइट को मैं डिक्रीज़ करूँगा एंड ब्लैक को इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके सो कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कर्व पे क्लिक करूँगा, कर्व पे यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को वाइट पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाऊँगा एंड ऊपर वाले पोर्शन को हल्का सा नीचे की ओर इस तरीके से ले जाऊँगा एंड एक बार और इस तरीके से इसमें क्लिक करूँगा एंड इसको कुछ इस तरीके से कर दूँगा। सो आप देख सकते हो कर्व मैंने कुछ इतनी चेंजिंग की, इसको मैं डन कर दूँगा एंड अब मैं इस फोटो का कंट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा। इसके बाद मैं इसमें जाऊँगा कलर वाले ऑप्शन पे, कलर में मैं टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे बॉल पे क्लिक कर दूँगा कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कलर हमारा रेड कलर है जो कि हमारे चेहरे पे हल्का हल्का आ रहा है। सो इसमें मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड इसके बाद सेकंड कलर हमारा बॉडी का कलर हो जाता है, तो सेकंड कलर में मैं सैचुरेशन को थोड़ा कम करने वाला हूँ एंड ह्यू को थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूँ एंड यहाँ पे इसकी ल्यूमिनस को मैं बढ़ाने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ल्यूमिनस को बढ़ाते जाओगे और आपके चेहरे में ग्लो आता जाएगा। थोड़ा सा ल्यूमिनस को बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोटो में इतनी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं जाऊंगा थर्ड वाले कलर मतलब येलो कलर पे, येलो कलर को चेंज करने से बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो रही है। सो इसका मैं करने वाला हूँ बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से कि इसका पूरा ब्लैक रखूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे ग्रीन वाले कलर पे, सो ग्रीन को भी मैं पूरा ब्लैक रखूँगा। इसके बाद ब्लू कलर है तो ब्लू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, यहाँ पर आ गया ब्लू, ब्लू कलर को यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैचुरेशन को कम करूँगा एंड यहाँ पे ल्यूमिनस को कम कर दूँगा जस्ट इतना। इसके बाद इन दोनों पर्पल कलर की मैं ल्यूमिनस को बढ़ा दूँगा दोनों की एंड यहाँ पे इसको मैं डन कर दूँगा। सो आप देख सकते हो फोटो में इतनी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्लियरिटी को इंक्रीज कर दूँगा कुछ इतना एंड यहाँ पे मैं बिगनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके अमाउंट को कम कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा कलर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा एंड नीचे शेडो पे क्लिक किए रहना है आपको एंड यहाँ पे इस एरो को ऑन कर लेना है एंड एरो को ऑन करने के बाद सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा एंड ह्यू को चेंज कर देना है आपको कुछ इस तरीके से नीले कलर की ओर ले आना है, मतलब लगभग आपको 200 प्लस पेज को ले आना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने चेंजिंग की, सैचुरेशन को +5 रखा है एंड ह्यू को मैंने 224 रखा है। इसके बाद मैं थर्ड नंबर वाली बॉल पे क्लिक कर दूंगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड इसको मैं येलो पे ले जाऊंगा। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल फोटो एडिटिंग हो रही है। इसके बाद मैं सेकेंड बॉल पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूंगा इस सैचुरेशन को एंड इसको मैं वापस ले जाऊँगा 200 के प्लस। इसके बाद मैं इसको डन कर दूंगा एंड अब फोटो में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। सो इस फोटो को मैं सेव कर दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फोटो को मैंने डिलीट करने के बाद दोबारा ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे इस फोटो को मैं अब फाइनल टच देने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल का होगा। सो यहाँ पे जस्ट फिर से जाऊँगा एडिट वाले ऑप्शन पे एंड मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे येलो कलर को क्लिक करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा हल्का सा। यहाँ पे इसको इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे इसके ग्रीन कलर को मैं फुल माइनस कर दूँगा
इसके बाद मैं सेकंड कलर पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, जिससे हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ सके। एंड इसमें मैं इस कलर को, रेड कलर को इंक्रीज़ कर दूंगा एंड इसको डन कर दूंगा। इसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा एंड यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर दूंगा, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा एंड वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ एंड ब्लैक को थोड़ा सा डिक्रीज़, देन ओके। इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे इसके मैं क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर दूंगा, टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा दूंगा, बिगनेट को डिक्रीज़ कुछ इतना एंड यहाँ पे इसके राउंडनेस को इंक्रीज़, फेदर को इंक्रीज़ एंड मिड पॉइंट को इंक्रीज़। इन दोनों को आपको फुल रखना है तीनों को एंड अमाउंट को थोड़ा कम कर देना है। एंड फाइनल टच आप देख सकते हो फोटो पे कितना अमेजिंग गोल्डन टोन आ चुका है। इसके बाद अगर आपके में प्रीमियम वर्जन है तो आपको इस मास्किंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको लीनियर ग्रेडिंग पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से करना है एंड यहाँ पर आपको इसकी एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इतना। इसके बाद इसको डन कर देना है। सो फाइनल टोन आप देख सकते हो फोटो में कितनी अमेजिंग आ चुकी है। सो इस तरीके से आपको लाइटरूम में इस तरीके की फ़ोटो बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो गाइज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।